हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं मलिक साहब दी ग्रेट की तरफ। ये हमें लेके जा रहे हैं इधर, कौन सा रॉक सेंटर? रॉकलैंड जा रहे हैं। शॉपिंग सेंटर है उधर, देखते हैं कोई, हाँ देखते हैं छोटी मोटी चीज़ कोई बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए तो वो खरीदेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। तो ये मलिक साहब की गाड़ी भी दिखाते हैं आपको। मलिक साहब इधर बड़ी मौज में नया कर रहा है। मलिक साहब सारे पता लगना मलिक उसे मौजा करता पा, पैसे मंगने के लोग है देखा, पैसे मंगने ना ना मैं कोई दस्या, बड़े पैसे बचाने गड्डी वेखना सरकार से गड्डी वेख के मजा ला लो। नकदा नहीं पे गड्डी जनाब, कोई किस्तां शिस्तां नहीं आ पेड मलिक साहब जो है ना वो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। ये पीछे क्या देखो जी, जो अपनी चीज यूज नहीं करनी होती वो बाहर छोड़ जाते हैं। ये एक वो साइकिल है एक्सरसाइज वाली, इधर रख दिया, जिसको जरूरत है उठा के ले जाए। तो इधर लोग ऐसे करते हैं। चले मलिक साहब लेट्स गो। ये रॉकलैंड में आ गए हम शॉपिंग सेंटर में, अभी देखते हैं अभी हमारे मतलब की चीज़ कोई लगी है इधर कहीं के नहीं। मलिक साहब सानू ना ट्रा ट्रा के मारियो, जुआ वाला साफ करियो साढ़े ना, है जुआ पै गई किसी बंदे नूं ते ओह ना ओह बनैन बदल के ना पुठी करके पा लो जुआ, फिर जनाब अंदर वड़ जाने जिसम च। डायनामाइट ये भी लेडीज का सारा, $45,000 की टेस्ला लगी है जी, मॉडल 3। इतने लैनी है तो रबता करो। मलिक साहब भी आते हैं, मैं भी आते हैं। टैक्स टैक्स भी आते हैं। हाँ टैक्स में है। मलिक साहब मेरे ख्याल है थर्डा जो पोर्शन है ना ये सारा लेडीज डिपार्टमेंट है। हाँ उत्तर तो जाना अच्छा अच्छा फीडो, ये फीडो वालों का यहाँ पे ये मोबाइल सर्विस है। देखो जी वो लॉन्ग कोट कड़े पास है, चलो चलते हैं उधर। देखते हैं शूज भी कोई टाइप दे, अच्छे हैं शूज। ये प्राइस है भाई, टैग लगा $170 प्लस टैक्स, टैक्स पा के 200 भी हो जाएंगे। नहीं नहीं मेरी चॉइस नहीं है, इधर आ लेने मैं वो ये सॉफ्ट जूती पसंद करना है। देखो जी गोल्ड टाइम $95, हाँ अभी ठीक है। अच्छा रिकी प्राइस $150। शेकर्स 30% ऑफ लगा हुआ जी, वो तो पुल हो जाए $135। ठीक है ठीक है, उत्थे स्पेन महंगा। हाँ सुपर मार्केट है, मतलब घर दे यूज दी हर चीज है, जिवें IKEA टाइप ना। ये कड़ा ब्रांड है Adidas, ये जूता मेरा लग रहा वाइट 110 Nike है।
ये सेम जूता मेरे पास है, मैंने स्पेन से लिया था। ये इधर $210 का, तो मलिक साहब मैंने स्पेन से लिया था €170 का। वो यूरो यूरो च कन्वर्ट करो तो वो नहीं बन जाती प्राइस। देखो जी इस मार्केट के अंदर IKEA टाइप हर चीज़ जो है ना, सोफे, बेड, गद्दे, घर के इस्तेमाल के सारे प्रोडक्ट्स इधर। देखो बाबरी रेस्ट का यार, नहीं ये तो टॉमी का। हाँ जी इधर। हाँ जी नाजरीन। मलिक साहब ने मेरे साथ थ्रो कर दिया है। मलिक है आज बेना जरा थ्रो किया जो दसो ना अलबाम नू। लंगकोट ढूंढ रहे जी अपनी मर्जी का महीने का खुले स्टाइल दिया, वो अमेरिकन स्टाइल होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। ये देखो ये चला स्टाइल, ब्रांड चेक कर ले, €539 का, डॉलर का सॉरी। चीज मर्जी की मिले, पैसे में कोई बात नहीं है। ये जैकेट्स हैं इनके पास, वो क्लासिक लॉन्ग कोट नहीं है, खाली जो जैकेट्स ही हैं। नहीं ठंड नहीं पैंती, वैसे गिफ्ट वगैरह कोई बच्चों की बड़ी वैरायटी है जी इनके पास। बंदे की नज़र ही नहीं टिकती भी कि बंदा ले तो कि छे, मुश्किल है। ये स्पेन में चलती हैं लेकिन बहुत ही ना बहुत बोतल जी ने ਸਲਾਹ।
एक महीने 400 गड्डी चोरी होंगी टोरंटो मतलब टोरंटो शहर 400 गड्डी महीने चुकन आई मोन्ट्रियाल की सूरत हाल इतने भी हुई सर कहते हैं बड़ा सेफ 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 सिटी गड्डी तू जानी ही ना ताला ना होता गया हां पाकिस्तानी टूच नाला आया होता है हां अच्छा ये बच्चों का सेक्शन आ गया पसंद आई मलिक साहब सुनाओ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵਣ ਕੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਵਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਵਣ ਤੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੱਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਹਾਂ अद्धी राती आओ जाओ कोई मसला मसाइल कोई परेशानी नहीं है मैंने 10 साल हो गए थे अच्छा ठीक है जी थोड़ा सा कमा के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अच्छा ऐसे करना यानी कहना है कि जल्द मैं बैठा मनो चार बच्चे आज ही जाना पाकिस्तान 3 लाख रुपया पाकिस्तानी हो तो कहाँ जाना होता है सफर जरा महंगा पड़ जाता टूर टिकटा महंगी डेढ़ च जाना जी कंपनी तुहानू छुट्टी देनी है जाना जी भाई जान बाकी जो अच्छे काम ने जो अपने अपने सिस्टम हो रहे बंद फिर अपने अपने पर हकीकत है कि जेडे अज तू 20 साल पहला आए ने वो ही ने कामयाब छाए हुए जेडे हूँ अज तू 10 साल बाद इस तरह के बच्चे ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਚੋਖਾ ਕਮਾਣਾ ਜੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਸੌਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਬ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾਲ ਵਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪਨ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਵਣ ਕਿ ਨਾ ਆਵਣ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਲੋਕੀ ਆਵਣ ਕਿ ਨਾ ਆਵਣ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋ ਵੇਖੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਚਲੋ।
ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਪਾ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੂਜ ਜਾਪਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਸ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਹਾੜੇ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਵੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਲੋਗੋ ਯੇ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਕਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਕਾ ਜਨਾਬ ਮੋਰਗੇਜ ਆਪਕੀ ਕਰ ਲੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇ ਮਕਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਨੇ ਇਧਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ $1 ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਜੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਜਾ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਬਣਾਣੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਯਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆਜੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ अच्छा चलो आए कोई जी जी नहीं असल च ना वो यूरोपियन स्टाइल है ना इतने साडे मतलब चीज स्टाइलिश है इस किस्म की भी असं नहीं यूज कर सकते मरदा इतने और बीबिया का ज़रा होता फैशन है ना फैशन ट्रेंड दी चीज़ा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਟਰਿਸਟਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਚ ਬੋਸ ड्रेस भेजा ना देखो जी वो शर्ट बड़ी प्यारी लगी मुझे मैं तो बाकी बाहर आ गया वो मुझे बॉस की शर्ट पसंद आई है वो रेड ऊपर नजर आ रही होगी आपको हाँ जी मैं शर्ट का बता रहा हूँ लोगों को कि मैंने प्राइस देखी है $300 बोल साहब सर सादी शर्ट जड़ी है गिफ्ट शॉप है तो देखते हैं क्या गिफ्ट बन सकता है इधर जी गिफ्ट शॉप बनी है रेडियो लाना है किसे बॉक्स है तो बाहर रेडियो की शेप है बड़ा प्यारा ये पार्ट बच्चों को ना दिखाएं आपसे गुजारिश है नहीं तो बच्चे आपको तंग करेंगे सारे बच्चों की मतलब की चीज़ें इधर मलक साहब मैं कह रहा वीडियो का यह पार्ट बच्चों ना बहाइयो नहीं तो बच्चे जिद कर कोई स्केचिंग वाला मिले ना ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੈ ਸੀੜੀ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੋ ਡਰਾ ਤਾਂ ਬੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी दोस्तों सारा तकरीबन पूरी शाम हमने इधर गुजारी है सारी शॉप्स देखी लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे थे कनाडा फ्लॉप हो गया हमने कनाडा फ्लॉप है मलक जी कनाडा च कख नहीं आवे जी शासी लभने पे नहीं लभी चलो ना पर तो ठीक है जी अभी हम निकल रहे हैं हम घर की तरफ खाने का टाइम हो गया खाना खाते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़